हमारा विश्वास इसके अंदर आगे अपराध नहीं हो, अपराधी को कड़ी सजा मिले। बाकी गरीब जो आदमी होता है वैसे हम इमदाद करते हैं। हमारी गवर्नमेंट तो इस मामले में बहुत पॉपुलर है कि गरीबों के लिए समर्पित हमारी सरकार है। जितनी मैं स्कीम लेके आया हूँ राजस्थान के अंदर, वो तमाम महंगाई को देखते हुए लेके आए हम लोग। जन कल्याणकारी हमारी योजनाएं हैं, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हम समर्पित हैं। अब उसके बाद में आप लाद लेके बैठ जाते हो, भड़काते हैं ऐसा तत्व तो उनको, उनका खुद का स्वार्थ होता है उसके अंदर। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे उनके खिलाफ। उनको सबक सिखा दिया गया, आगे भी सिखाया जाएगा। राजस्थान में पुलिस का इकबाल बुलंद है, अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी घटनाएं होती है वो तो हिंदुस्तान भर में क्या दुनिया में होती है, हमें उनसे मतलब नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा, हम तो चाहते राजस्थान में क्राइम पे लगाम लगी रहे। कोई ऐसे पैदा ही नहीं हो जो गैंगस्टर हो। गैंगस्टर पैदा होने क्यों दे जा रहे? पुलिस का प्रशासन का काम है कि कोई अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, नौजवान या कोई भी व्यक्ति, उन कारणों से समय रहते हुए अंकुश लगाए, कड़ी कार्रवाई करे, जिससे कि गैंगस्टर बने नहीं। जहाँ गैंगस्टर बन गए हैं, आप देखते हो देश के अंदर क्या हो रहा है जगह जगह पर। ये घटनाएं राजस्थान में कोई जमाने हुआ करती थी, लेकिन कई जमाने में राजस्थान बहुत हुआ करते थे बॉर्डर पर। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कितना फर्क पड़ गया। तो राजस्थान में मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था भी अच्छी है, क्राइम कंट्रोल हुआ है, नवाचार हमने किए जो FIR कंपनी करने का, पब्लिक का इकबाल बढ़ा है, तफ्तीश में टाइम कम हुआ है। 156-3 से जो मुकदमे आते थे कोर्ट के आदेश से, वो बहुत कम हो गए हैं। तो ये नवाचार के फर्क है कि जिस प्रकार से सरकार बनते ही हमने नवाचार जो किए थे उसका असर है कि आज तफ्तीश में बहुत कम टाइम लगने लगे। आगे भी हम ये कार्रवाई करेंगे। कल मैंने कहा भी था, आजकल जो लाश ले लेके बैठ देते बॉडी, आप बताइए कि उसके परिवार पे दबाव इतना डालते हैं, उनको भड़काते हैं। पैसा ही सब कुछ है जिंदगी के अंदर। जिसने अपराध किया है, अपराधी को कैसे सजा मिले, चाहे फांसी की सजा हो, चाहे आजीवन कारावास हो या कारावास हो, उस पर ध्यान जाना चाहिए। तो आगे क्राइम नहीं होगा, हम बॉडी लेके बैठ जाएंगे, 5 लाख दो, 25 लाख दो, 50 लाख दो। यूपी में जो है जो कुछ हो रहा देश देख रहे हैं, देश देख रहे हैं। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ही सब कार्रवाई होगी, तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है। ये तो बहुत आसान काम है जो यूपी में हो रहा है, बहुत आसान काम है। मुश्किल काम वो है कि आप कानून का पालन करो, कानून का राज स्थापित रखो, सबको न्याय सुनिश्चित करो, ये मेरा मानना है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।